जिसका जिक्र कर रहे हैं जी, उसके लिए कहा जाता है कि वो 5वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया, कई सारे लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, ये एकदम कुतर्क है। हाल का समय ही जब 20 से 24 ईस्वी है सातवाहन वंश, और वो एस्टैब्लिश्ड है। यहां तक कि लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस भी इस बात को बहुत ठीक से मानते हैं कि सातवाहन का कालखंड पहली दूसरी शताब्दी है और 20 से 24 ईस्वी हाल है। तो ये तो कुतर्क है कि 5वीं शताब्दी में लिखा गया, एकदम बेकार की बात है। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। या तो सनातन की बात को पूरा मानिए, आधा माने आधा नहीं माने ऐसा नहीं चलेगा। जब सौनकादिक ऋषि बैठ करके 18 पुराण सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी शताब्दी है? वो तो महाराज आदिकाल की शताब्दी है। बात बताइए, ये अनावश्यक रूप से बहस कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है कि यहाँ पर केवल हमेशा दुनिया में प्रत्यक्ष रूप से स्थापित है। एक मिनट, अगर आप अपनी आप आवाज बुलंद कर लेंगे तो औरों को नहीं बैठा सकते ना। आप सुन लीजिए पहले, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट आप सभी को बोलने दीजिएगा। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा इस विषय को, मैं आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ भाई ललित जी। एक तो इस तरह से कैटेगराइज करना, क्योंकि इस हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि पूरा वैदिक साहित्य साहित्य है। नहीं, आप जो साहित्य और इतिहास का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं वो एकदम कम से कम उस कालखंड में जाके बिल्कुल। आप गाहा सत्यसई को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं? मैं गाहा सत्यसई को पूरा ऐतिहासिक ग्रंथ मानता हूँ, मैं ऐतिहासिक ग्रंथ मानता हूँ जिसमें धर्म अध्यात्म अंतः गुंफित हैं। अगर आप उसको धार्मिक ग्रंथ नहीं मानते हैं तो आप उसका रेफरेंस फिर कैसे ले सकते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो धार्मिक ऐतिहासिक साहित्यिक सभी चीजों को पूरा पूरित करने वाला ग्रंथ है। बस अब आपने अपना पॉइंट रख दिया। एक मिनट, एक और इंटरप्रिटेशन। कुछ विद्वानों का कहना है, ये काफी रिसर्च सामने आई, कि भागवत के एक श्लोक में आराधिका शब्द को राधा से जोड़ा गया। आराधिका जो है, अगर उसकी बात की जाए तो उसको विलक्षण से भी जोड़ा जाता है। जो सबसे विलक्षण थी वो क्या राधा है जी? मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास वो श्लोक बता भी दीजिएगा। हाँ, जोड़ा नहीं गया है, अन्य आराधितो नूनम ये है ही है। रास पांच अध्याय भागवत के दशम स्कंद के 90 अध्यायों में पांच रास अध्याय भगवान का मुखारविंद है। अगर रास पांच अध्याय को हटा दो तो प्राण ही निकल जाएगा श्रीमद् भागवत का, और उस प्राण को निकाल कर दुनिया रास में फिर किसकी चर्चा हो रही है? पूरा वर्ल्ड जानता है, एक मेटीरियल व्यक्ति भौतिक ज्ञानी भी जानता है कृष्ण भगवान ने किसके साथ रास किया था। राधा को निकालकर कहते कि रास हुआ नहीं भागवत में, नहीं तो ये कैसी चर्चा हो रही है? जो आराधिका शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ क्या? आपको सबसे पहले पाणिनीय व्याकरण का उदाहरण दिया। पाणिनीय व्याकरण का राध साध संसिद्ध धातु से पाणिनीय व्याकरण में पाणिनीय को मानते हो कि नहीं मानते, पहले बताओ। पाणिनीय जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण निर्माण किया उनको मानते हो कि नहीं मानते? जब पाणिनीय जैसे आचार्य ने ये वर्णन किया है कि राधा स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध कोई कर नहीं सकता इस पृथ्वी पर, तो क्या ब्रह्मांड पर राधा को सिद्ध करने वाला कोई नहीं है? देखिए, मैं पहले ये बता चुका हूँ कि रा कारो दान वाचक, धा निर्वाण वाचक। राधा जी जो थी वो लक्ष्मी जी के अंश के रूप में पैदा हुई थी, तो इसलिए जो है उनको जो है लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। हम केवल इसलिए आए हैं आचार्य जी, प्रमाण किसको दें? प्रमाण लेने वाला तो कोई हो? राशेश्वरी परा, आप हमारी इतनी सी बताइए क्या कह रहे हैं? प्रमाण दे रहे हैं। अगर प्रदीप मिश्रा ने प्रमाण की बात की है, मेरा 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 कहना है, सुनिए, हम प्रमाण दे रहे हैं ना। हम एक बात आपके चैनल से बोल कहना चाहते हैं, हम ब्रजवासी, एक मिनट वृंदावन की धरा पर पूरे शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य, चारों सनातन के, नहीं मेरी बात सुनिए पहले, चारों सनातन के जगत गुरु, चाहे वो रामानुजाचार्य हों, चाहे हमारे चैतन्य गौड़िया संप्रदाय के हों, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय के, चारों जगत गुरु, चारों शंकराचार्य भारत के बनारस और आपके कर्नाटक, दुनिया भर से विद्वान आए और ब्रज में शास्त्रार्थ हो। अगर प्रदीप मिश्रा सिद्ध कर देता है कि श्री राधा का विवाह जो साक्षात गोलोक वासिनी है कृष्ण के अलावा किसी के साथ हुआ है, तो हम चरणों में पड़कर के साष्टांग प्रणाम करेंगे। तो प्रदीप मिश्रा को किसी विवासी से नहीं, राधा रानी की चौखट पे आकर के नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा उसका विनाश। तो ये प्रमाण कह रहा है, तयोर भेद करिष्यन्ति ये च विन्दन्ति राधिकां कुम्भी पाकेन पच्यन्ते यावद् वै ब्राह्मणो वया
जितने दिन ब्रह्मा की आयु है जो राधा कृष्ण में भेद समझता है उतने दिन तक कुंभी पाक नरक में यातनाएं भोगता है। हम तो उसके पाप को कम कर रहे हैं, उसके पाप को इसलिए कम कर रहे हैं कि वो आकर के राधा रानी की चौखट पे अगर नाक रगड़ लेता है तो मेरी राधा रानी इतनी करुणामयी है कि वो उसको क्षमा कर देंगी। और ब्रजवासी तो राधा के लिए जीते को भी तैयार है। उनका जो है प्रदीप जी का क्या था कहना, बात कर रहे हैं हम, मतलब ठीक है, आपने जो किया, आपने जो कहा उसका सम्मान है, आपने जो कहा उसका सम्मान है। एक बार जरा उनका तर्क सुनो। हमारा इतना समय लगा है, वर्ष पहले मैडम, 2000 वर्ष पहले ही राधा जी का जिक्र हुआ। हम पहले प्रदीप आचार्य निम्बार्क जी, उसके अलावा हम किसी चर्चा पर राजी नहीं है। पहली बार प्रदीप मिश्रा पर चर्चा होगी। प्रदीप मिश्रा गलत है कि नहीं बोलो। मैं प्रदीप मिश्रा पर चर्चा होगी। मैं प्रदीप मिश्रा करना है तो ब्रज में आइए। प्रदीप मिश्रा जी को नहीं जानता, शास्त्रार्थ एक घंटे में नहीं होगा। आप अपना पॉइंट रखिए। मध्य काल में पहली बार आप हमारे शास्त्रों को झूठा बता रहे हैं। आपकी बात होने जा रही है, बोलिए। हाँ, ये निवेदन करने का है कि प्रदीप मिश्रा ने ये कहा, मूल बात पे हमको लड़ना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि राधा का विवाह उनके साथ हुआ और भगवान कृष्ण के साथ नहीं हुआ। प्रदीप मिश्रा कहना क्या चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण किसी और की पत्नी को लेके खड़े हैं? ये छोटा विषय नहीं है, ये किसी विदेशी ताकत की इसमें षड्यंत्र है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ताकत। एक मिनट, यदि हमारी मातृभूमि को, हमारी मातृभूमि का कोई आक्रमण करता है तो हमारी भारत सरकार आतंकवादी घोषित कर देती है। ये तो मातृभूमि की भी जननी है। अच्छा, एक ये उसके लिए कैसे आतंकवादी हो गए? नहीं नहीं, ये व्यासपीठ मर्यादा की है हमारी। अच्छा, हमारी मर्यादित व्यासपीठ पर इनको बैठने का हक नहीं है। नहीं नहीं, विष्णु स्वरूप होता है, इनकी हैसियत कैसे हो गई? जब शंकर जी इस बात को नहीं बोल रहे हैं, हमारे से बात अनाथ सब नहीं बोल रहे हैं, तो ये शिव की कथा कहता है। शिव की कथा कहने वाला व्यक्ति शिव पुराण के श्लोक को नहीं मान रहा है। हमारे जितने भी मंदिर है, क्या अभी मोदी जी ने विश्व में राधा कृष्ण का मंदिर बनवाया, क्या वो गलत है? क्या मथुरा में राधा कृष्ण का मंदिर है, वो गलत है? पूरे संसार में राधा कृष्ण का मंदिर गलत है? क्या कहना चाहते हैं ये लोग? ये अलग बहस कर रहे हैं। अगर शास्त्रार्थ करना है ब्रज में आइए, आपका सम्मान है, सभी हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान आएंगे, पूज्य आचार्य आएंगे। किसकी हैसियत है? एक बार बताओ, राधा जी का विवाह जो हुआ था उसमें एक तिथि होगी, वो कब तिथि थी, कहीं पे लिखा है क्या? हम इनसे एक बात पूछना, एक मिनट, एक बात पूछिए। ये जगत पिता ब्रह्मा को भी झुटला रहे हैं। एक मिनट पांडे जी, जगत पिता पांडे जी को झुटला रहे हैं, पांडे जी करके संहिता को भी झुटला रहे हैं। पहले एक मिनट, एक मिनट, आप जवाब दे दीजिए। हां, अरे ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, पांडे जी ने कराया है, पांडे जी हम ब्रजवासियों को समझा रहे हैं। स्थिति में प्रणाम करेंगे आप, हमारे ठाकुर जी कहते हैं मनाएंगे, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इनको कभौ न बिसार यो मो नंद बाबा की।